दुख होता है ऐसे लोगों की कहानी को जान करके। ये सुरीली धुन के पीछे एक दुख भरी धुन भी होती है। बहुत अच्छा बजा लेते हो आप। मैं वहाँ देख रहा था, आप काफ़ी देर से वहाँ खड़े हुए थे और बहुत सारी गाड़ियाँ आई, बहुत सारी गाड़ियाँ निकल गई, लेकिन कोई नहीं रुका, कोई नहीं देखा। मैं लोगों से यही कहूँगा कि भाई रुक जाया करो, ऐसे टैलेंट को 2 मिनट अपने व्यस्ततम समय में से निकाल के इनकी टैलेंट की कदर कर लिया करो, इनको सुन लिया करो, बहुत अच्छा बजाते हैं। और सब कुछ सोशल मीडिया पर नहीं है, कभी लाइव भी लोग ऐसे लोगों को सुनो, कभी लाइव ऐसे लोगों से मिलो और उनसे पूछो कहाँ से बजाना सीखे, कितना समय हुआ, है ना। जो सामने से धुन जो सुनाई देती है, जो लाइव समझ में आती है, वो टीवी पे और सोशल मीडिया पर वो बात नहीं आती है। हम तमाम लोग मोबाइल लेके सोशल मीडिया पे चीज़ों को इनक्रेज करते हैं, लोगों को देखते हैं, लेकिन जब सामने ऐसा कोई हमारे बजा रहा होता है तो लोग रुकते भी नहीं हैं। ये कड़वी सही लेकिन सत्यता यही है कि लोग रुकते नहीं हैं। इस भाई को जगह जगह जा कर बजाना पड़ रहा है और दिन भर में मुझे नहीं लगता कि 100-200-300 रुपए के बिजनेस हो पाएगा बस, है ना। और उसी में परिवार चलाना है। कौन कौन है परिवार में? मम्मी है, भाई है, बहन है, और दो बच्चे हैं, बीबी है। अच्छा, शादी हो गई? अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। बच्चों को बच्चे पढ़ने हैं? भैया अभी बच्चे छोटे, 5 साल का है और एक अभी 5 साल का है, तो अब स्कूल में एडमिशन कराओ उसका, हम करा देंगे। हमारा नंबर ले लेना, हमें बताना तुम कहाँ रहते हो, उसका एडमिशन हम कराएंगे। संगीत के बारे में तो शब्द कम पड़ जाए, संगीत तो वो चीज़ है। ये बांसुरी तो श्री कृष्ण जी की पहचान है ना, वो बजाते थे ऐसा सुना गया है, ऐसा कहा गया है। तो कृष्ण रूपी ये भैया हैं, ये भी इसी तरह बजा रहे हैं। कृष्ण रूपी धुन जो ये निकाल रहे हैं, इनकी इनका आदर करें, सम्मान करें और ऐसे लोगों को सुने और कोशिश करें कि उनसे कुछ खरीद लें। मुझे लगता है आप बजा रहे हो तो अपना सामान बेचने के लिए ही बजा रहे हो, है ना, कि आपसे कोई देखेगा कि इसी तरह से किसी बच्चे को या किसी के मन में ये जिज्ञासा उठेगी कि वो भी बजाए तो वो कुछ खरीद लेगा, यही है ना। आज कितना बेचे सुबह से? सुबह से खाली अभी 50 रुपए का एक बेचा है। सुबह से अभी तक 50 रुपए का बेचा है? वो भी मैम ने दिया, अभी जस्ट चले आ रहे थे बजाते हुए तो कोई नहीं आया, तो यहाँ पर आधे घंटे से 10 मिनट बजा रहे थे तो मैम ने 50 रुपए भेजे। अच्छा, दुख होता है ऐसे लोगों की कहानी को जान करके। ये सुरीली धुन के पीछे एक दुख भरी धुन भी होती है, जो जब आप बात करेंगे ऐसे लोगों से, जब आप मिलेंगे उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस मधुर धुन के पीछे एक दुख भरी कहानी और दुख भरी धुन भी होती है, जो केवल और केवल ऐसे लोगों को पता होती है। और पता तब चलेगी जब हम इनसे पूछेंगे। तो कितना बज रहा है अभी? 3 बज रहा है। सुबह से बजा रहे हो? सुबह से एक बिकी, मतलब कुल मिला के 50 रुपये आए हैं? 50 रुपये में? अरे यार, कैसे चलेगा शाम तक फिर? कहते नहीं है ऊपर वाला। अच्छा, बहुत बड़ा है ऊपर वाले, रहता है, अरे खाना जरूर दे देता है। अच्छा, भूखा जगाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। अरे बहुत अच्छी बात यार, भूखा जगाता है पर भूखा कभी सोने नहीं देता। वाह, मतलब ऊपर वाले पे अभी भी इतना भरोसा? मरते दम तक रहेगा, जब तक सांस रहेगी तब तक ऊपर तो भरोसा रहेगा भैया, उसका तो दुनिया ही है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सृष्टि उसी की बनाई हुई है। किसे भूखा रखता है, किसे वो करता है, वो तो उसी के हाथ में। अच्छा, एक उत्सुकता और है तुमसे बात करके, ये कहाँ से सीखी आपने? भैया ये हमने अपने आप सीखी, इसमें हमारे पास कोई पैसा था ना कुछ था, तो ऐसे ही भैया बेचने वाले से हमने भी ले लिया था और ऐसे बजाते बजाते अपने आप आ बजाते बजाते आ गई। अरे किसी से नहीं सीखा? जब बिना सीखे इतना बजा लेते हो, अगर सीख लेते तो क्या ना करते? या उस टाइम बता रहे हमारे पास कुछ ज़्यादा ही वो था, अब तो थोड़ा बहुत जो है कि अपने मन से कमाने लगे हैं, तब हद से ज़्यादा वो था। पापा जो थे जो थोड़ा बहुत दारू वारू पीते थे, तो उसके चक्कर में वो हमारे पास वो नहीं था। मम्मी मांगती थी, झूठ नहीं बोलेंगे भैया, कि हमारी मम्मी मांग के ला दी थी पप्पा जो दारू, तो हमारे पास ना पढ़ने का ना कुछ था। पढ़े नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम तो नहीं पीते हो? नहीं भैया,
पक्का? जो तुम्हारे साथ हुआ वो अपने बच्चों के साथ मत करना। चलो चलो, रात भी नहीं करते, सुबह से निकल जाए, शाम को ही करते। शाम को पहुंचोगे? अब रात में पहुंचोगे? रात भर बजाओगे, 9-10 बजे तक बजाओगे? अच्छा, अरे यार कहे थे ना, जब किसी से बात करोगे तो मधुर धुन के पीछे एक दुख भरी धुन जरूर होती है। चलो यार एक काम करो, 50 रुपए की बताई थी ना, ठीक। अब मुझे एक काम करो, अपने मन से कोई भी एक अच्छी सी बांसुरी दे दो, मैं किसी बच्चे को दे दूंगा, है ना, मैं किसी बच्चे को दूंगा और वो बच्चा इसको बजाना सीखेगा। क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये किसी बच्चे को भेंट जरूर करूंगा, उसको दूंगा, और ये मेरी तरफ से आज पैसे रखो आप, ठीक है। और ये पूरा इसी बांसुरी का है, ठीक है, इसमें से कुछ आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं, और वापस कर भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास है भी नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, ये रखो और आराम से। और एक बात और कि मुझे बताना कहाँ रहते हो, मेरा नंबर ले लेना, मुझे फ़ोन कर लेना। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम देखो आपको बताएंगे कि कैसे करना है आगे, कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे उनका एडमिशन कराना है, नहीं पता होगा, ये सारी चीज़ हम करवाएंगे, ठीक है। और बच्चों को संगीत सिखाओ, अभी से सिखाओ, और उनको बड़े स्तर पे सिखा के और जाते हैं। और लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस देख लीजिएगा, और कभी सोशल मीडिया से हट करके कभी लाइव भी जाइए, कभी देखिए कोई बजाने वाला मिल जाए तो उसके पास जाकर 5 मिनट अपने मनपसंद गाने की एक धुन सुन लीजिएगा, और जो भी लगता है आपको कि उन्हें उनके टैलेंट के बदले देना चाहिए, वैसे इसका कोई मोल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी परिवार चलाना है तो उसके बदले जो कुछ भी आप दे सकें वो ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर रुक जाना है। ऐसे लोगों को मनोबल मिलता है, ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती है, और जब कोई नहीं रुकता और ये बजाते रहते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि बस जैसे कि सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, सर में दर्द होने लगता है, जैसा लगता है कि बहुत, जैसे कि हम बहुत गंदा बजाते हैं या अच्छा नहीं लग रहा है किसी के, ऐसा सर में दर्द होने लगता है, और ये वो अच्छा नहीं लगता, यानी कि मन भी उदास होता चला जाता है, अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि अब ऐसा लगता है कि किसी भी अगर हमारा नहीं मिलता तो ये सोच लेते हैं कि आज जाएंगे ही नहीं, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं जाएंगे तो क्या होगा, तो ऐसा हो जाता है। जब कोई आता है बजाते रहो कोई नहीं आता, तो इंसाफ जैसे सुबह से हमने बजाते बजाते थक चुके थे, तो यहाँ पर हमने सोचा कि 2-4 मिनट ये देख ले, क्या बताओ ऊपर वाला यही हमें दे दे, बाकी क्या था, देख लो भैया ऊपर वाले के तोड़ में आप हमें मिल गए और वो दे दिया, तो सुबह से वहाँ तक चले आए थे, यही सोचते रहते थे कि पता नहीं आज ऊपर वाला देगा कि नहीं देगा, देगा नहीं तो यही सोचते बजाते हुए चले आ रहे थे, यहाँ बजा रहे थे तो आप मिल गए, तो कहते नहीं है ऊपर वाले कर देर होता है अंधेर नहीं, तो आप मिल गए तो आपने दे दिया भैया। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात कही, और देखिए इनके दुख को दर्द को समझिए कि जब ये बजा रहे होते हैं और कोई भी नहीं रुकता है, एक मिनट के लिए कोई ध्यान नहीं देता है, तो इनको कितना बुरा लगता होगा, इन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं बजा रहे हैं जबकि बहुत अच्छा बजा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप कैसा भी बजाते हैं, आपने कहीं सीखा नहीं है तो अपने खुद से सीखे हैं, स्वयं सीखे हैं, तो काफ़ी फिर भी अच्छा बजा लेते हैं आप, ठीक है दोस्त। और मेरा नंबर ले लो, ठीक है, मुझे फ़ोन करना, आज का हो गया, कल का कैसे होगा हम करेंगे, ठीक है, परेशान मत हो, कोई और रास्ता निकालते हैं, और बच्चों के लिए तो हम करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो इस पर विशेष ध्यान देते हैं कि जिनका जो होना है हो गया, लेकिन अब आगे ऐसा ना हो, ठीक है। चलो नंबर लिख लो मेरा, मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है, फिर कॉल कैसे करोगे, किसी से मांग ले भैया, तो घर पे तो होगा। हाँ भैया एक है तो भी बिगड़ा हुआ है, बटन वाला है, वो बिगड़ा हुआ है, पर अरे बनवा लेंगे। अरे यार मतलब बिल्कुल मैं सही जगह आया हूँ, मैंने तमाम जगह लोग देखे हैं, स्मार्टफोन होते हैं उनके पास बड़े बड़े, इनके पास तो फ़ोन भी नहीं है। चलो मैं करता हूँ, लिख के देता हूँ कहीं से, ठीक है, परेशान मत हुआ करो यार, बहुत लोग हैं जो तुम्हारे टैलेंट की कदर करेंगे और तुम्हें अप्रिशिएट भी करेंगे, और तुम बहुत अच्छा बजा लेते हो, कभी मन छोटा मत किया करो, बहुत अच्छा बजा लेते हो, और मुझे, मैं खुश हुआ तभी तो, देखो इतनी देर से रुका हूँ।